इस मौके पर रांची आचार्य डायसिस के बिशप तेलेस्फोर टोप्पो समेत कई अन्य धर्मगुरु भी मौजूद रहे। तो संत मरिया महागिरजाघर में आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर टोप्पो ये चौथे आर्च बिशप होंगे जिन्हें लेडियानी बेदी में दफनाया जाएगा। लेडियानी बेदी का ऐतिहासिक महत्व है कि जब संत मरिया गिरजाघर का निर्माण हुआ था उस वक्त महिलाओं के लिए एक अलग से जगह बनाई गई थी और अंग्रेज ईसाई महिलाएं गिरजाघर के आगे बाईं ओर बैठती थी, इसलिए उसी जगह को आज तक लेडियानी बेदी कहा जाता है। आज तेलेस्फोर टोप्पो को गिरजाघर में दफनाया जाएगा, उससे पहले श्रद्धांजलि सभा की जा रही है जहां राज्यपाल भी मौजूद है। आर्च बिशप कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की इच्छा थी कि श्री लेडियानी बेदी में स्थित डेथ इज मोर पेनफुल बिकॉज ही हैज वर्क्ड फॉर द सोसाइटी ऑल द टाइम। ही डेडिकेटेड हिज होल लाइफ for the upliftment of the downtrodden people, the tribal people, and he was the first cardinal who got elected from the entire East Asian countries. That is a great honor that India had, and today he is no more with us, but the legacy what he has left with us will be the guiding force for us for the years to come. We all pray that the noble soul should reach the holy feet of the Christ. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अवंतिका जुड़ गई है। अवंतिका, आज तेलेस्फोर पी टोप्पो को गिरजाघर में दफनाया जाएगा और कह सकते हैं कि उनकी इच्छा भी थी कि लेडी बेदी में दफनाया जाए। सबसे पहले मेरा सवाल है कि आखिर ये लेडी बेदी इसे क्यों कहा जाता है और यहां दफनाया जाने का वजह क्या है? जी बिल्कुल, उनकी जो इच्छा थी कि जब उनका देहांत होगा और तो उन्हें जो है लेडी बेदी में जो है दफनाया जाए, क्योंकि जिस पहले जो है पहले के टाइम में चर्च में महिलाओं के लिए जो एक अलग जगह रखी गई थी इसका विशेष महत्व था। जैसा कि आपने बताया था कि इसका विशेष महत्व था कि जो ईसाई महिलाएं थी वो चर्च के बाईं ओर जो है बैठी रहती थी और उनकी इच्छा थी कि उन्हें भी वहीं पर दफनाया जाए और मदर उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनकी उनको जो दफनाया जाए वो मदर टेरेसा के मूर्ति के नीचे दफनाया जाए, तो जिसे लेकर कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा थी उसे पूरा किया जाएगा। जी अवंतिका, मैं पीछे की तस्वीर आपकी देख रही हूँ, काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है अंतिम दर्शन के लिए। ये भीड़ है और जो वहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं, क्या वो तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है ये हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। तो पहले आप वो तस्वीर दिखाइए, उसके बाद हम आपसे जानकारी लेंगे कि और क्या कुछ आगे का कार्यक्रम चलने वाला है। जी बिल्कुल, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो है रांची के संत मारिया महागिरजा घर में यहाँ पर लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि आज जो है 12 बजे तक ही लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे, तो इसी वजह से सुबह से ही जो है यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है और लगभग 1 बजे जो है लॉयला मैदान में जो है इन कार्डिनल को मिस्सा अर्पित की जाएगी। और बता दें कि राज्य सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की भी घोषणा की है, जिसे लेकर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो है यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और आप बताएंगे आपको कि क्या कुछ उनका कहना है। आप लोग आज अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से याद कर? जे हम लोग इसको देख रहे हैं कि वो अपने जीवन में बहुत से अच्छाई काम किए थे, तो हम चाहते हैं कि हम लोग को भी उन्हीं की तरह अनुसरण करके हमें भी वैसे ही चलना चाहिए। कहना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, तो उनके अंतिम दर्शन कर यही प्रार्थना करेंगे कि हम भी उनके ही नक्शे कदम पर जो है वो चल पाए। हम और भी लोगों से बात करेंगे, आज उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं आप लोग। अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं।
लोग जो है प्रिया अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं और प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे परिसर में जो है लोग लंबी कतार लगाकर यहाँ पर लाइन में खड़े हैं और उनके 12 बजे तक ही क्योंकि उनके अंतिम दर्शन हो पाएंगे, तो जिसे लेकर लोग जल्द से जल्द जो है उनके अंतिम दर्शन का जो काम है वो पूरा कर रहे हैं। जी अवंतिका, ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिसे पूरा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं कि आदिवासी समाज की तरफ से उन्हें इतना माने बड़े जगह पे बैठाया गया है और आज उनके निधन से कहीं ना कहीं आदिवासियों में कुछ ज्यादा ही शोक की लहर है। जी बिल्कुल, हमेशा ही उन्हें चर्च के लिए जो चर्च में रहकर उन्होंने अच्छा हमेशा ही अच्छा कार्य किया है, लोगों को अच्छा मार्गदर्शक दिया है और सभी लोग जो है उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, जिसे लेकर के सभी काफी शोक में है। और साथ ही अगर हम आदिवासी समाज की भी बात करें तो जिन्होंने उनको एक ऐसा स्थान दिया जिसका बहुत महत्व है, तो इसे लेकर के लोगों में भी काफी शोक की लहर है और हम आपको देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरीके से उनके अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज ही जो है उन्हें अंतिम दर्शन होगा, फिर वो उन्हें नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए लोग को भी काफी शोक में है, काफी दुख हो रहा है उन्हें भी। जी अवंतिका, मुख्यमंत्री के पहुंचने की भी बात जो है सामने आ रही थी, तो क्या आज अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं या फिर उनका कार्यक्रम कुछ और बना हुआ है? जी बिल्कुल, सूचना है कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर शामिल होंगे, क्योंकि जैसा कि सुबह से ही यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन भी यहाँ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, वहीं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री की भी आने की यहाँ पर सूचना है कि मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए आएंगे, अभी तक यही सूचना मिली हुई है। और एक वायु तो लोगों का जो है 12 बजे तक ही उनके अंतिम दर्शन का टाइमिंग है और 1 बजे तक जो है उन्हें 1 बजे तक लास्ट दर्शन करके उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा और उन्हें यहाँ पर दफनाया जाएगा। जी अवंतिका, ऐसी खबर भी मिली है कि जो कैथोलिक स्कूल है उसे आज छुट्टी कर दी गई है ताकि वहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं और जो सिस्टर और फादर है वो अंतिम दर्शन के लिए आ पाए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर सिर्फ यहाँ की नहीं, जितनी भी मिशनरी स्कूल है, जो भी मिशनरी स्कूल है, ईसाई धर्म के स्कूल है, सभी को आज जो है छुट्टी दिया गया है ताकि जितने भी वहाँ के शिक्षक है और जितने भी स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन कर सके। हम विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहेंगे कि कई ऐसे स्टूडेंट भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए, तो आज सारे स्कूल में जो है छुट्टी किया गया है। अवंतिका, क्या जो लोग वहाँ आ रहे हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आखिर क्या सच में उनसे कितना लगाव था लोगों का और आज उनके निधन के बाद कितनी क्षति पहुँच रही है, क्या इस बारे में लोग कुछ बताना चाहेंगे? हमारी विनती पूरी कर। जी बिल्कुल, आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं प्रिया कि लोग की जो लंबी कतार है और किसी के अंतिम दर्शन के लिए इतनी लंबी कतार देख के ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सभी लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण थे और कितना महत्व रखते थे, जिसके लिए आज आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है यहाँ पर आई हुई है, तो साफ तौर पर ये जाहिर किया जा सकता है कि उनके दिल में, लोगों के दिल में सच में उनके लिए बहुत बड़ी जगह थी, बहुत महत्व था, जिसके लिए इतनी भीड़ उमड़ी है और लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोई कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे, फिर भी हम उनसे जानेंगे कि आज आप लोग अंतिम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उनके तिलेश्वर पीठ टोपो की क्या महत्व, आप लोगों के दिल में क्या जगह थी? देखिए, वो इतना दिन से प्रभु यीशु का सेवा किया है ना, और हम लोग का मार्गदर्शन किया, बहुत सारे आदमी का मार्गदर्शन किया, दर्शन पे आप लोग उनके चलने जा रहे हैं। आज अंतिम दर्शन करने आप पहुंच रहे हैं, अंतिम दर्शन के साथ क्या कुछ प्रार्थना करना चाहेंगे? उसके मन का शांति के लिए, उसका आत्मा का शांति के लिए तो प्रार्थना करना ही। और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आज आप लोग अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनके क्या कहेंगे, कितनी क्षति पहुंची, आप लोगों को कितना दुख हो रहा है? हमें अपार दुख हो रहा है और वे हमारे महान गुरु है, हमें उनके बताए हुए रास्ते से हम उनके अनुसरण में जा रहे हैं, हमको आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए जा रहे हैं। अंतिम दर्शन करते हैं, प्रार्थना। हाँ,
बिल्कुल प्रिया, तो जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि उनके महागुरु थे और उनके जाने से इनमें जो काफी शोक है, लोगों को काफी दुख हो रहा है और आज वो उनके अंतिम दर्शन करेंगे और अंतिम दर्शन करके यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भी जो है वो उनके मार्गदर्शन पर चले और उन्हीं की तरह जो है वो कार्य करे। आज अंतिम दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? काफी दुख हो रहा है। दुख तो है, मैं तो उन्हीं के द्वारा स्थापित स्कूल से पढ़ा था, इसलिए कभी वो बिशप बन के आए थे तो मैं स्वागत भी किया था। एक वाक्य याद है, हैं? पुरोहित सभी कोई नहीं बन सकते हो, लेकिन सच्चे अच्छे ख्रिस्तीय बनो, ये बोले थे। और उनके बोले गए जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं आज याद आ रहा है, और इसीलिए मैं देखने आया हूँ, दर्शन करने आ रहे हैं। कहाँ से? उड़ीसा बॉर्डर पड़ता है। उड़ीसा से आप उनके अंतिम दर्शन? कुटुंगिया। देखा प्रिया आपने कि जो लोग हैं वो दूर दूर से आज उनके दर्शन करने आ रहे हैं। आप यहाँ विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे जो है वो भी यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हैं। सभी बच्चे जो है उनके अंतिम दर्शन करेंगे। आज आप लोग अंतिम दर्शन करने जा रहे हैं तेलेश्वर पीठ टोपो जी का, क्या कहेंगे? यहाँ पर आई है अंतिम दर्शन करने आई जी, हमें अच्छा लग रहा है यहाँ। और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आज अंतिम दर्शन के लिए आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, स्कूल से लाया गया आप लोगों को, जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने। जिस तरीके से देखा प्रिया आपने कि जो स्कूल के बच्चे भी हैं वो भी यहाँ पर जो है अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं और लोग भी जो है काफी दूर दूर से पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए। आज अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर काफी दूर दूर से स्टूडेंट्स को भी आप लेकर के आई हैं, आज उनका अंतिम दर्शन है, क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ दुख? हम लोग मजरेल स्कूल से आए हैं, मजरेल सहरा से आए हैं और हम लोग यानी कि अपना कृतज्ञता प्रकट करने आए और अंतिम दर्शन के लिए आए हैं। कितना दुख हुआ, कितना आप लोगों के जो समाज को है कितना क्षति पहुंचा है? हम लोगों को बहुत दुख हुआ है क्योंकि बहुत अधिक काम किए हैं सारे रांची आर डाइसिस में और यानी कि अभी हम लोग उसका लॉस हम लोगों को बहुत अधिक हो रहा है, तो हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं। ठीक, थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना प्रिया कि इन्होंने जो कहा अपने कृतज्ञता यहाँ पर करने आए, जाहिर करने आए हैं, अपना उनको जो है अंतिम दर्शन करेंगे और साथ ही श्रद्धांजलि देकर उनसे प्रार्थना करेंगे। जी अवंतिका, ऐसी खबर भी सामने आ रही है कि सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग जो कैथोलिक समाज से जुड़े हुए हैं वे लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आज पहुंचने वाले हैं। तो क्या सचमुच में देश और विदेश से लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आज पहुंचे हुए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कहा गया था कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश, अब दिल्ली, रायपुर, ऐसे तमाम जगहों से जो है बिशप और आर्च बिशप जो है यहाँ पर पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। तो सारे लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और वो अंदर उनके अंतिम दर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि अंदर हमें जाने कैमरा ले जाके जाने की अनुमति नहीं होगी, इसी वजह से वो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनके जो अंतिम दर्शन के लिए आए, क्योंकि जैसा लोगों का कहना है कि उन्होंने कई से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अब सिर्फ झारखंड ही नहीं, रांची ही नहीं, यहाँ से बाहर के लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया और उनका अलग अलग लोग जो है उनके मार्गदर्शन पर चले हैं और ऐसे में काफी जो लोग हैं उन्हें काफी क्षति पहुंची है और इसी को दुख को जाहिर करने के लिए जो है लोग देश विदेश के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। जी चलिए अवंतिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि तेलेश्वर पीठ टोपो के अंतिम दर्शन करने के लिए संत मरिया गिरजाघर में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। राज्यपाल वहां पहुंचे हुए जिन्होंने अंतिम दर्शन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आज पहुंचेंगे और गिरजाघर में ही उन्हें लेडी बेदी में दफनाया जाएगा। और इससे पहले कि हम आपको तस्वीर दिखाए हैं जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए स्कूल के छात्र छात्राओं से लेकर देश विदेश के लोग पहुंचे हुए हैं, सभी ने अपार क्षति बताई है, साथ ही कहा है कि उनके मार्गदर्शन पर लोगों को चलना चाहिए, उनसे जो अच्छी सीख मिली है उसे अपनाना चाहिए ताकि समाज का भी कल्याण हो सके।